कुवैत में हादसे के बाद जहां जग गई है अब कुवैत की सरकार, तो वहीं दूसरी तरफ साउथ चाइना सी में एक बड़ा कांड हो गया है। अगर यहां आए तो हम तुम्हें कर लेंगे गिरफ्तार। चाइना ने एक नया नियम बना दिया है और ये बौखलाहट बढ़ गई है। जानेंगे साउथ चाइना में कहां तक पहुंचने पर हो जाएगी गिरफ्तारी और क्या ये भारतीय नौसेना के लिए भी एक बड़ी वार्निंग है। तो वहीं 900 क्या मिल गए हैं चाइना को, जिसको लेकर आधार भी बना रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कुवैत में मंगफ त्रासदी के बाद कुवैत की सरकार अवैध संपत्तियों में विस्तार पर सख्ती करने की तैयारी कर रही है। बुधवार को कुवैत के दक्षिणी प्रांत के मंगफ में एक इमारत में आग लगने से 50 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 46 लोग भारतीय थे। इमारत में आग लगने के समय सभी लोग सो रहे थे और अधिकतर मौत धुएं के कारण हुई। इमारत में 196 प्रवासी कामगार रहते थे। मंगफ त्रासदी के बाद मकान मालिक और कंपनी मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठने लगी है। साथ ही कुवैत की सरकार उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी कर रही है जो लागत कम करने के लिए बड़ी संख्या में विदेशी मजदूरों को बेहद असुरक्षित परिस्थितियों में रखते हैं और कानून का उल्लंघन करते हैं। अरब टाइम्स अखबार की रिपोर्ट के अनुसार कुवैत नगर पालिका ने अवैध संपत्ति विस्तार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसमें भविष्य में मंगफ जैसी आपदाओं को रोका जा सके। कुवैत में संपत्तियों में अवैध रूपांतरण एक व्यापक मुद्दा रहा है, जहां बेसमेंट पार्किंग की जगह को गोदामों में बदल दिया गया है। वहीं भूतल पर मौजूद खाली जगहों को आवास इकाइयों और दुकानों में बदल दिया गया है। ये सब अतिरिक्त आय की तलाश में किया गया है। ये बदलाव अक्सर बिना किसी मंजूरी के होते हैं और इससे इमारतों की सुरक्षा और अखंडता से समझौता होता है। शुक्रवार को कुवैत स्थित भारतीय दूतावास की एक टीम ने उन अस्पतालों का दौरा किया जिसमें मंगफ त्रासदी में घायल हुए 25 भारतीयों का इलाज चल रहा है। घायल मरीज अपने परिजनों के संपर्क में है। वहीं मंगफ हादसे की जांच जारी है। जांच में पता चला है कि इमारत में भूतल पर मौजूद गार्ड रूम में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी जो पूरी इमारत में फैल गई। घटना के समय इमारत में 196 में से 179 कर्मचारी थे, जिनमें अधिकतर भारतीय थे। आग लगने के बाद कई पीड़ितों ने सीढ़ियों से नीचे भागने की कोशिश की, लेकिन धुएं में दम घुटने से उनकी मौत हो गई। पीड़ित छत पर भी नहीं जा सके क्योंकि ऊपर का दरवाजा बंद था। यही वजह रही है कि हादसे में मरने वालों का आंकड़ा इतना ज्यादा रहा है। जिस कंपनी में प्रवासी कामगार काम करते हैं उसने भी घटना का दुख जताया और पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। कुवैत में रहने वाले केरल के व्यवसायी जी अब्राहम कंपनी में भागीदार और डायरेक्टर भी हैं। खैर, जहां कुवैत यहां एक्शन ले रहा है तो वहीं एक बहुत बड़ा कांड हो गया है और ये कांड हो गया है साउथ चाइना सी में। साउथ चाइना सी में अब एकदम खुलेआम तौर पर आ गया है चाइना और चाइना ने एक नया नियम बना दिया है। चाइना ने क्या कहा है? चाइना ने साउथ चाइना सी में अपने दबदबे को बढ़ाने के लिए नया मैरीटाइम कानून बनाया है। इसके मुताबिक अगर कोई भी विदेशी क्षेत्र में बिना इजाजत के घुसता है तो चीन के कोस्ट गार्ड उसे हिरासत में ले सकते हैं। ये कानून आज से ही लागू हो गया है। दक्षिण चीन सागर में घुसपैठ के गंभीर मामलों में चीन आरोपी को 60 दिन तक बिना ट्रायल के हिरासत में रख सकेगा। दरअसल चीन पूरे साउथ चाइना को अपना हिस्सा बताता है, जबकि साउथ चाइना के कई देश जैसे फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया भी इस पर अपना दावा करते हैं। साउथ चाइना सी में विवाद को देखते हुए चीन ने इलाके में निगरानी के लिए अपने बोट्स और कोस्ट गार्ड को तैनात कर दिया है। पिछले कुछ सालों में क्षेत्र में फिलीपींस और चीन की वेसल्स की मौजूदगी को लेकर दोनों देशों में तनाव भी रहा है। चीन के नए कानून पर फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस ने कहा कि ये काफी चिंताजनक है। वहीं फिलीपींस के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि उसने UN में साउथ चाइना सी पर अपने दावे से जुड़े कानूनी दस्तावेज जमा कर लिए हैं। चीन के नए कानून के बाद फिलीपींस ने कहा है कि वे दक्षिण चीन सागर में अपने मछुआरों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। साथ ही उन्होंने मछुआरों से कहा है कि वे चीन के कानून से डरे बिना देश की समुद्री सीमा में अपना काम करते रह सकते हैं। दरअसल साउथ चाइना सी में मौजूद चीन के कोस्ट गार्ड अक्सर फिलीपींस के वेसल्स पर वाटर कैनन से पानी डालते रहते हैं। इसके अलावा दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प भी हुई है,
जिसमें फिलीपींस के सैनिक घायल हो गए थे। इससे पहले पिछले साल 22 अक्टूबर को चीन के एक कोस्ट गार्ड शिप ने फिलीपींस के कोस्ट गार्ड शिप को टक्कर मार दी थी। वहीं सितंबर में बीजिंग के साउथ चाइना सी में फिलीपींस के मछली पकड़ने वाले जहाजों को रोकने के लिए स्कारबोरो सोल इलाके में फ्लोटिंग बैरियर्स लगाए गए थे। हालांकि बाद में फिलीपींस ने इसे तोड़ दिया था। चीन हमेशा से साउथ चाइना सी के लगभग पूरे हिस्से पर अपना दावा करता है। इसके लिए वो 5 छोटे देशों को अक्सर परेशान करता है, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान, ब्रुनेई। ये सभी देश साउथ चाइना सी को अपना बताते हैं। चीन ने इस क्षेत्र में कई आर्टिफिशियल आइलैंड बना लिए हैं। इस क्षेत्र में चीन ने कई सैन्य ठिकाने भी तैयार कर लिए हैं। साउथ चाइना सी का लगभग 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया विवादित है। अमेरिका के मुताबिक इस इलाके में 213 अरब बैरल तेल, 900 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस का भंडार है। वियतनाम इस इलाके में भारत को तेल खोजने की कोशिशों में शामिल होने का न्योता दे चुका है। साउथ चाइना सी के रास्ते हर साल दुनिया में $7 ट्रिलियन का बिजनेस होता है। चीन ने 2013 में एक बड़ा प्रोजेक्ट चलाकर पानी में डूबे रीफ एरिया को आर्टिफिशियल आइलैंड में बदल दिया है। अब यहाँ पर चाइना ने एक और नैरेटिव चलाया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। चाइना ने अपने कुछ अवशेष खोजे हैं पुराने जमाने के। ये जो देख रहे हैं बर्तन की तरह, ये कह रहा है कि बहुत पुराने समय में साउथ चाइना सी में हमारा ही राज था। और देख लीजिए किस तरीके से पुराने समय के चीजें हमें मिल रहे हैं। ये दिखला रहा है कि ये हमारा इलाका है। हालांकि घोषणा के तुरंत बाद यहाँ इन्होंने फ्रिगेट की भी तैनाती कर दी है इस पार्टली आइलैंड के आसपास। इस तरह की तैनाती और भी ज्यादा बढ़ा रहा है चाइना। हालांकि आपको बता दें, अब इस तैनाती के बाद ये भी देखने को मिल रहा है कि फिलीपींस भी पीछे नहीं है। और फिलीपींस ने क्या किया है, एंटी शिप मिसाइल बेस साउथ चाइना को फेस करते हुए तैयार कर लिया है। और यहाँ पर वो कहा जा रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइलों का तैनाती करेगा। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या इससे भारत को कोई फर्क पड़ेगा। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया को फर्क पड़ेगा। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख सकते हैं। भारतीय नेवी ने यह ट्वीट किया था कि साउथ चाइना सी में हमारी डिप्लॉयमेंट हुई, अब अगर इस नए कानून को माने तो इस नए कानून के तहत अगर साउथ चाइना सी भारत भी पहुँचता है तो भारत के जहाज को भी गिरफ्तार कर लिया जा सकता है। अमेरिका भी पहुंचता है तो अमेरिका के भी जहाज के संग ऐसी ही कोई हरकत हो सकती है। ये चीजें बता रही हैं कि दक्षिण चीन सागर में अब चीजें सामान्य नहीं रह गई। अब यहाँ पर देखना होगा कि क्या साउथ चाइना सी में जो इन्होंने कहा है ऐसा ही एक्शन होता है या नहीं होता है। अगर ये नियम की बात करें तो 9 डैश लाइन का जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं, उस पूरे इलाके में फिर चाइना कहीं भी किसी की भी गिरफ्तारी कर सकता है। ये जो रंगीन इलाका देख रहे हैं आप, ये पूरा का पूरा इलाका चाइना के अनुसार चाइना का है। और यहाँ पर कहीं भी घुसे तो फिर चाइना उसे गिरफ्तार कर लेगा। वैसे अब यहाँ पर कहानी मोड़ ले रही है। अब फिलीपींस के लिए भी, वियतनाम के लिए भी, इंडोनेशिया के लिए भी सीन बहुत ज्यादा क्लियर होकर नजर आ रहा है। हालांकि कई सारे ऐसे जापान के लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि चाइना 900 टुकड़ों को दिखाकर ये कह रहा है हम ढूंढने जाएंगे तो हमारे न जाने कितने अवशेष समंदर में मिलेंगे। जापान के भी इस तरीके के कई अवशेष मिलेंगे। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।